नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल कामया न्यूज़ नेटवर्क में। गुड़ी पड़वा पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिलवासा के सामरवानी में स्थित प्रमुख गार्डन सोसाइटी में हर्षोल्लास से मराठी समाज एवं सोसाइटी वालों ने गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया। इस त्यौहार में दारा जिला पंचायत के अध्यक्ष निशा भावर भी शरीक हुई। उन्होंने गार्डन सिटी सोसाइटी में गुड़ी पड़वा त्यौहार में महिलाओं एवं आयोजकों के उत्साह को सराहते हुए सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गार्डन सिटी सोसाइटी द्वारा हर साल गुड़ी पड़वा पर्व धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। गुड़ी पड़वा त्यौहार के इस खास अवसर पर दारा के उद्योगपति एवं कर्मठ समाज सेवी बाबू भाई डेरे ने प्रदेश की जनता को क्या संदेश दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वासियों को सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज गार्डन सिटी में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया गया है। बहुत ही खुशी हुई है। मैं झुककर ढोल ताशे सब कुछ बजाए, हमारी लेडीज नौवारी साड़ी पहन के इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं आप जैसे कि देख सकते हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है। हर साल की तरह आज हम लोग गुड़ी पड़वा बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हमारे पूरा महाराष्ट्र में और पूरा हिंदुस्तान में गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है, हम लोग एक नया साल की तरह उसको मनाते हैं। और आज अगर सिलवासा की बात अगर हम करते हैं तो पूरा सिलवासा के अंदर आप जितने भी लोग महाराष्ट्र लोग हैं इसको नया साल की तरह मनाते हैं और हर घर के अंदर अपनी गुड़ी उभारते हैं। आज हम लोग गार्डन सिटी के अंदर पिछले बहुत सालों से हम लोग ये पर्व करते आ रहे हैं और आज सुबह से आपने देखा होगा विराट ढोल ताशा रिजिम के साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ में प्रोग्राम हम लोग मनाया है। तो हमारी कलाबेन डेलकर जी की तरफ से एक मैसेज हम लोगों को मिला है और उन्होंने आज पार्लियामेंट चालू होने की वजह से हमारी तरफ से उनकी तरफ से एक मैसेज हमें भेजा है कि पूरी नगर हवेली को हमारी तरफ से शुभकामनाएं बोल दीजिएगा। और आपने देखा होगा कि ये जैसा भी किसी का जो पाप का आपने जो बात किया है, ये गुड़ी पड़वा के अंदर आपने देखा होगा कि सबके मन में सबके चेहरे पे जो आनंद है उसी से ये महसूस होता है कि पाप का नाश होगा और नया साल एक सभी के लिए, सभी धर्म में सभी समाज के सभी लोगों के लिए हर्षोल्लास के जावे। और अच्छी कामना हम करते हैं नया साल के अंदर, सब लोग तरक्की करें, सबको अच्छी भगवान सदबुद्धि दे और बहुत अच्छा तरक्की होके हमारा नगर हवेली अच्छा बने।